Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you the second part of chapter 6, Poets and Pancake, from your book Flamingo of class 12. In first part, we have gone through about Ashoka Mitran and his studio, Gemini Studio, whose founder was S.S. Vasan. और उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, वो एक एक करके वहाँ के लोगों के बारे में हमें बताते जा रहे थे. उन्होंने शबुक के बारे में बताया, ऑफिस बॉय के बारे में बताया, अपने क्यूबिकल ऑफिस के बारे में बताया, सारी चीज़ों के बारे में वो बताते जा रहे थे और कौन कैसा था ये भी वो बता रहे थे. इस तरीके से हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था. और एक लॉयर के बारे में भी उन्होंने बताया था कि वहाँ पर एक लॉयर था जो अपने इलीगल एक्टिविटी की वजह से उसने हीरोइन को निकाल दिया था. और हीरोइन को निकालने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वासन, एसएस वासन ने वो स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया. तो ऐसा पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में शायद हुआ होगा कि पोएट्स की वजह से एक लॉयर की जॉब चली गई. पोएट्स की वजह से, मतलब जहाँ पोएट्स निकाले गए हों वहाँ पर एक जो है लॉयर की जॉब चली गई है. यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था, आइए आगे देखते हैं. Gemini Studio was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogiyar, Shangu Subramaniam, Krishna Shastri and Harendranath Chattopadhyay. इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है नीचे दिया हुआ है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं. इट हैड एन एक्सेलेंट मेस, और Gemini Studio में एक बहुत बढ़िया मेस भी था, कैंटीन भी थी, which supplied good coffee at all time of the day and for most part of the night. तो Gemini Studio में ये सारे poets आते थे और यहाँ पर एक बहुत अच्छा mess था. वहाँ पर बहुत अच्छे quality की coffee मिलती थी, दिन के time तो मिलती ही थी, कुछ parts कभी कभी most of the part of the night, रात में भी मिलती थी यहाँ पर coffee. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a camp of coffee was rather satisfying entertainment. अब यहाँ पर कांग्रेस रूल और प्रोहिबिशन, क्योंकि ये 40s की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोहिबिशन था, रोक लगाई गई थी गैदरिंग पे, मिलजुल नहीं सकते थे, पॉलिटिकल इश्यूज नहीं डिस्कस कर सकते थे. तो ये एक बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पर ऐसे लोग यहाँ इकट्ठे होते थे और बैठकर कॉफ़ी इंजॉय करते थे और इंटरटेनमेंट होता था, सब सेटिस्फाई होते थे. Barring the office boys and a couple of clerk, खाली barring मतलब उनको छोड़कर, office boy और कुछ clerk को छोड़कर, everybody else at the studio radiate leisure. Radiate मतलब enjoy the leisure, leisure मतलब खाली समय. वो क्या करते थे, enjoy करते थे, pre necessary poetries ये करते थे, prerequisite फॉर पोइट्री, वो पहले से ही वहाँ पर तैयारी करते थे पोइट्रीज की. मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप गांधी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिशिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड. वो सब खादी पहनते थे और गांधी जी को बहुत मानते थे, उन्हें वर्शिप करते थे, लेकिन इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल इशू उन लोगों के दिमाग में नहीं चलता था. वो खादी पहनते थे क्योंकि वो चलन था खादी पहनने का और गांधी जी का दौर चल रहा था, इसलिए गांधी जी को वो पसंद करते थे. लेकिन इसके अलावा कि पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्टेड हो, पॉलिटिक्स की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं था. नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और नेचुरली दे वर अवर्स मतलब स्ट्रॉन्गली डिसलाइकिंग, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था ये वर्ड कम्युनिज्म. और अ कम्युनिस्ट
क्या होता है ये जान लेते हैं। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। गॉडलेस मैन की मतलब उसको भगवान का भी डर नहीं होता है, एक कम्युनिस्ट ऐसा होता है। ही हैड नो फीलियल, फीलियल मतलब बच्चे, लड़का लड़की, और कॉन्जुगल, कॉन्जुगल मतलब स्पाउस, लव, किसी से प्यार नहीं। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. कम्युनिस्ट एक ऐसा लॉलेस पर्सन होता है जिसे भगवान से भी डर नहीं होता, उसके ना ही बच्चे होते, ना बीबी होती, ना घर होता है। वो तो बस वो मतलब किसी को मारने से भी उसे वो नहीं कतराता, वो अपने माता पिता को मार दे, अपने बच्चों को मार दे, वो उसका सिर्फ एक ध्येय होता है कि अफरा तफरी मचाना, इन मतलब वायलेंस फैलाना, अनरेस्ट फैलाना, लोगों को दुखी करना, इनोसेंट पीपल्स को परेशान करना, इग्नोरेंट पीपल को परेशान करना, उसका सिर्फ एक मकसद होता है। तो ऐसा कुछ भी जेमिनी स्टूडियो के अंदर नहीं था और लोग उसे पसंद भी नहीं करते थे। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग। और ये जो नोशन था ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ था, लेकिन जेमिनी स्टूडियो अभी इससे अछूता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी अछूता नहीं रहा। इसके एविडेंस सामने देखने को, आगे देखने को मिलेंगे। वेन फ्रैंक ब्रोचमैन्स मॉरल री आर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952, दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो। जब फ्रैंक बुचमैन की जो MRA आर्मी आई 200 लोगों के साथ, तो उनको होस्ट करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जेमिनी स्टूडियो से अच्छा कोई और नहीं मिला। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, और वो इंटरनेशनल सर्कस के नाम से जाने जाते थे। वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपेजी, वो लोग ट्रेपेजी में बहुत अच्छे नहीं थे। ट्रेपेजी क्या होता है? सर्कस को एक्रोबेट, जो हवा में सर्कस दिखाते हैं, उछल कूद हवा में करते हैं, मतलब एक रोप से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से हवा में, उन्हें सर्कस एक्रोबेट कहते हैं। एंड देयर acquaintance with animals was only at the dining table. और जानवरों से भी उनका जो संपर्क था वो बहुत अच्छा नहीं था, खाली खाने के टेबल पे ही अच्छे ढंग से वो ये करते, मतलब वो मैनेज नहीं कर पाते थे जानवरों को भी। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। बस दो चीज़ें उन्होंने, दो प्ले, जो दो नाटक उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया था। और वो दो नाटक कौन से थे? देयर Jotham Valley and the Forgotten Factor run several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Jemini family of 600 saw the play over and over again. और ये जो दो Jotham Valley और Forgotten Factor जो है मद्रास में कईयों बार दिखाए गए, और वहाँ के लोगों ने उसे कई बार देखा, यहाँ तक कि जेमिनी फैमिली के जो जेमिनी स्टूडियो के 600 लोग थे उन्होंने भी बार 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 इन प्ले को देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। होमिलीज का मतलब होता है अ टॉक ऑन मॉरल वैल्यूज, मतलब रिलीजियस मैटर पे था। तो जैसे पारिवारिक फिल्म DDLG है, हम साथ साथ हैं, ऐसे ऐसी मूवीज लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने ये प्ले बनाया था जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते थे। बट द सेट्स
सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, और जो सेट उन्होंने लगाया था और जो कॉस्ट्यूम वो पहन रहे थे वो फर्स्ट रेट, बहुत अच्छे थे। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटीज वर terribly impressed and for some years almost all Tamil played had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jothan Valley with a bare stage, a wild background curtain and a tune played on the flute. अब यहाँ पर जो मद्रास और तमिलनाडु के लोग थे, ड्रामा कम्युनिटीज़ थी, ये लोग इतना ज़्यादा टेरिबली इम्प्रेस्ड हो गए थे, बहुत भीषण तरीके से उन लोगों से इम्प्रेस्ड हो गए थे जॉथम वैली से, जिसमें सनराइज़ और सनसेट दिखाया जाता था, कि वो कंटिन्यूस अपने प्लेज़ में, अपने मूवीज़ में उस चीज़ को दर्शाते रहे कई सालों तक। उसमें क्या होता था, जो वाइट बैकग्राउंड, एक वाइट बैकग्राउंड होता था, कर्टेन होता था, और जब वो होता था तो उसमें फ्लूट बजती थी, तब सनराइज और सनसेट होता था। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट MRA, आपको पता है MRA का फुल फॉर्म मॉरल री आर्मामेंट आर्मी, वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड। अब ये बात बाद में पता चली कुछ सालों बाद कि ये जो MRA है वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म का एक वो है, और उसको एम्फसाइज कर रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है, और अनजाने में मिस्टर वासन भी इनके हाथों में की कठपुतली बन गए थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस, अशोक मित्रन भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा केस है, फॉर द अनचेंजेबल एक्सपेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड दीज एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम MRA और नो MRA। कहते हैं ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा कि ये बिग बॉसेस मिस्टर वासन, SS वासन, MRA हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरनेशनल कम्युनलिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनलिज्म कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। द स्टाफ ऑफ जर्मनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइज ऑफ At least 20 nationalities, use मतलब होता है colors, तो यहाँ पर MRA कुछ फैला रहा हो, चाइना फैला रहा हो, इससे कोई भी फ़र्क जर्मनी को नहीं पड़ता, जर्मनी के 600 लोगों को पड़ा हो या नहीं पड़ा हो, वहाँ पर हर तरीके के लोग आए हुए थे, 200 लोग थे, हर कलर के, हर रेस के लोग थे, साइज के लोग थे, और 20 nationalities, अलग अलग कंट्रीज से लोग थे, तो जर्मनी स्टूडियो ने उसे इन्जॉय किया। इट वॉज सच अ चेंज फ्राम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैब्ड विद थिक लेयर ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। और जो ऑफिस बॉय है वो बहुत एक्साइटेड रहता था कि अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग कलर और अलग अलग रेस के लोग आएंगे और उनका वो मेकअप करेगा, तो वो बहुत ही खुश रहता था, तो इसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अ फ्यू मंथ लेटर द टेलीफोन लाइंस ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बर्स्ट एंड वंस अगेन वी एट जर्मनी स्टूडियो क्लियर्ड द होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। और एक महीने बाद फिर से सब बड़े बड़े बॉसेस की मतलब मद्रास में जितने बिग बॉसेस थे उनकी घंटी बजी, और फिर से जर्मनी स्टूडियो को एक ऑफ़र मिला वेलकम करने का, एक इंग्लैंड से पोएट आ रहे थे, उनको वेलकम करने का ऑफ़र मिला जर्मनी स्टूडियो को, द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से आ रहे थे, द पीपल जर्मनी स्टाफ न्यू और हियर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टायसन। जर्मनी स्टूडियो के लोगों ने
ज़्यादा तो पोइट्स के बारे में नहीं सुना था इंग्लैंड के, तो यहाँ पर ज़्यादा नाम हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ और टायसन का सुना था। द मोर लिटरेट वंस न्यू अबाउट कीट, सैली एंड बायरन। तो और जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने कीट, शैली और बायरन का नाम सुना था। एंड वन और टू माइट हैव फैक्टली कम टू नो ऑफ सम वन बाय द नेम ऑफ इलियट। और जो कुछ लोग और ज़्यादा जानते होंगे उन्होंने इलियट के बारे में सुना होगा। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जर्मन स्टूडियो नाउ। अब ये कौन सा पोएट है, इनमें से तो किसी का नाम नहीं आया, तो ये कौन सा पोएट है जो जर्मनी स्टूडियो को विजिट करने वाला है। ही इज़ नॉट अ पोएट, वो एक पोएट नहीं है, ही इज़ एन एडिटर, वो एडिटर है। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, और इसीलिए एस एस वासन उन्हें बहुत बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो पोएट नहीं है, एडिटर हैं, और एस एस वासन खुद भी एक एडिटर हैं। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकटन, और वासन खुद भी एक वीकली मैगजीन के एडिटर हैं जिसका नाम आनंद विकटन है। He wasn't the editor of any of the known name of British publication in Madras, that is those known at Gemini Studio. जो आ रहे थे वो किसी फेमस ब्रिटिश पब्लिकेशन जो मद्रास में फेमस हैं उसके एडिटर नहीं थे। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily but not from the Manchester Guardian or the London Times। और एक गेस लगा रहे थे कि ये जो पोएट है वो होगा किसी डेली न्यूज़पेपर का एडिटर, लेकिन जो यहाँ पर फेमस हैं जैसे मैनचेस्टर गार्जियन हैं, लंदन टाइम्स हैं, इनका तो एडिटर नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो जेमिनी स्टूडियो लोगों को पता है। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। तो यहाँ पर हम लोग जेमिनी स्टूडियो के लोगों को पता है। एट लास्ट अराउंड 4 इन आफ्टरनून द पोएट और द एडिटर अराइव्ड, और दोपहर के समय 4 बजे के करीब इवनिंग होने वाला था, द पोएट या एडिटर आया। ही वॉज अ टॉल मैन, ए वेरी इंग्लिश, बहुत ही लंबा और इंग्लिश पर्सन था, इंग्लिश दिखता था, सीरियस, बहुत गंभीर, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, हम लोग में से कोई भी उसको नहीं जानते थे। बैटलिंग विथ हाफ अ डजन पेडेस्टल फैन ऑन द शूटिंग स्टेज, और युद्ध करते हुए, किससे युद्ध करना पड़ रहा था, पेडेस्टल फैंस जो होते थे, जो मतलब स्टैंड होते हैं, आज भी आपको पेडेस्टल फैन मिल जाएंगे शादी ब्याह में देखने को, और उनमें आवाज़ बहुत होती है, तो जो एस एस वाचन ने उससे इसीलिए वर्ड यूज़ किया है बैटलिंग, तो उसमें अपनी आवाज़ को जोर लगाना पड़ रहा था। द बॉस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच, इट वॉज ऑबियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर। ये हम लोगों को पता था, ये अच्छी तरीके से हम लोगों को पता चल गया था कि बॉस को भी इस पोएट और एडिटर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जर्नल टर्म्स, बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विथ वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। और यहाँ वहाँ की जो स्पीच थी वो जर्नल टर्म्स में थी, सिंपल लैंग्वेज में थी, और उसमें इधर उधर की बातें जैसे फ्रीडम और डेमोक्रेसी के जैसे वर्ड्स यूज़ किए गए थे। उसके बाद देन द पोएट स्पोक, द पोएट और स्पीकर थे, वो बोलने आए। ही कुडंट हैव एड्रेस अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। मोर डेज्ड क्या होता है, मोर डेज्ड का मतलब होता है बिवाइल्डर, ऐसे अजीबो गरीब लोगों से उनका पाला कभी नहीं पड़ा था। डेज और साइलेंट ऑडियंस कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग।
तो एक तो वो इंग्लिश थे और ऊपर से उन्होंने ऐसी ऑडियंस नहीं देखी थी, वो क्या बोल रहे थे, क्या कहना चाहते थे, उनकी जो प्रोनंसिएशन है, जो बोलने का तरीका है, वो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, 1 घंटा वो बोलते रहे। देन द पोएट लेफ्ट ऑफ, वो चले गए। एंड वी ऑल डिस्पर्स, हम वहाँ से हटे। इन अटर बैफलमेंट, बैफलमेंट मीन्स पजल्ड, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे 1 घंटा हम लोग ने क्या किया, क्या सुना, क्या समझा। वॉट आर वी डूइंग, हम लोग क्या कर रहे थे। वॉट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर सिंपलीस्ट शॉर्ट ऑफ पीपल। और हम लोग सोच रहे थे कि जेमिनी स्टूडियो, मतलब एक फिल्म इंडस्ट्री जो मद्रास में है, तमिलनाडु में है, तमिल में फिल्म बनाती है, वहाँ पर एक इंग्लिश पोएट क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। पीपल हुज लाइफ लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये तो इम्पॉसिबल सा था कि ऐसे लोगों के अंदर इंग्लिश पोइट्री को टेस्ट कराना, मतलब वो इंग्लिश पोइट्री को सुनाना या किसी मूवी में यूज़ करना, तो वो तो बिल्कुल भी उनको समझ में ही नहीं आएगा। द पोएट लुक प्रिटी बैफल्ड टू, और जो पोएट था वो खुद भी बहुत पजल्ड लग रहा था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ड द शीर इनकॉन्ग्रुइटी, मतलब शीर का मतलब होता है एब्सोल्युटली आउट ऑफ प्लेस, मतलब ऐसे लोगों के बीच में बैठकर जो है एब्सोल्युट, मतलब उसे पता था कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, कम्प्लीटली इनकम्पिटेंट गया मेरा ये टॉक। ऑफ हिज टॉक्स अबाउट द थ्रिलिंग एंड ट्रेवल्स, ट्रेवल्स मीन्स लेबर, जो उसने मेहनत की थी, ऑफ एन इंग्लिश पोएट, तो उसे पता चल गया था कि मेरा ये जो जो भी मैंने बोला है, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। हिज विजिट रिमेन एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री, और उसका आना एक अनएक्सप्लेन, कोई भी समझ नहीं पाया कि वो क्यों आया था और क्या करने आया था, वो एक मिस्ट्री बनकर रह गया, क्योंकि कोई समझ नहीं पाया, कोई समझा नहीं पाया। द प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। अब अश्वकामित्रन कह रहे हैं, द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिटेड, ये जो संसार के प्रोज राइटर हैं, ये लोग चाहे ना माने, बट मेरा कन्विक्शन है, मैं मानता हूँ ऐसा, और डे बाय डे मेरा कन्विक्शन जो है ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि प्रोज राइटिंग कोई आसान चीज़ नहीं है। परस्यूइंग मतलब बहुत आसानी से नहीं होता है, परस्यूट ऑफ जीनियस, द ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस के जीनियस लोग ही कर सकते हैं। इट इज़ फॉर द पेशेंट, ये कैसे लोगों के लिए है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो पेशेंस हों, पेशेंट मतलब धैर्यवान हों, परसिस्टेंट हों, और मतलब टिके रहें, कोशिश करते रहें। प्रिजर्विंग डर्ज मतलब अपने अंदर जो है वो हार विथ अ हार्ट ऑफ श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, ऐसा अपने अंदर एक हार्ड सोल रखें कि मतलब तो टूट के भी वो ना टूटे, कोई उसे तोड़ ना सके। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, रिजेक्शन उनका कुछ भी बिगाड़ ना सके। ही एट वन सेट अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड इट ऑन टू अनदर एडिटर इनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। ऐसा आदमी होना चाहिए, एक तो उसे धैर्यवान होना चाहिए, लगातार निरंतर प्रयास करना चाहिए, उसे शेमलेस होना चाहिए,
उसका हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो बेइज्जती को सहने लायक होना चाहिए। अगर कोई उसके मैन्यूस्क्रिप्ट को नकार देता है तो उसको तुरंत दूसरी फोटोकॉपी कराकर, उसको पोस्टेज लगाकर, वापसी की तैयारी भी करके, मतलब उस पर पोस्टेज लगा दिया जाए कि अगर उनको मिलता है और नहीं उनको पसंद आता है तो वो उसे तुरंत वापस कर दें। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो क्या है, वो जीनियस माना जा सकता है। किस चीज़ में? प्रोज राइटिंग में। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत बताई गई थी हिंदू पेपर में, और बड़े ऐसे पब्लिश कर दिया था कि मतलब जैसे लग रहा था कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ एनकाउंटर, और एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ एनकाउंटर। ऑफकोर्स द एनकाउंटर वॉज इन नोन कॉमोडिटी, मतलब बहुत बड़ी वो नहीं थी, संस्था नहीं थी, और अमंग द जर्मनी लिटरेरी, मतलब जर्मनी के लिटरेट लोगों के जो वहाँ पोएट्स थे, इतने सारे राइटर्स थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ये नहीं थी। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट अ कॉन्सिडरेबल सम ऑफ पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, और मैंने एक सम मतलब ये कोशिश की, एक पैसा लगा कर, पोस्टेज ये करके, मैन्यूस्क्रिप्ट ये करके मैंने इंग्लैंड भेज दिया। इन दोज डेज द ब्रिटिश कौंसल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस with no long winding signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. और ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी जो है वो एंट्रेंस पे ऐसा साइन बोर्ड लगा देती थी कि आप फॉरबिडन एरिया, मतलब प्रोहिबिटेड एरिया में आ रहे हैं। एंड देयर वर कॉपीज of encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers, और कोई भी छू नहीं पाता था encounter जो paper था उसका, जो fresh copies था वो ऐसे फैला रहता था और वो untouched था, कोई reader उसको नहीं करता। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart, और जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, एनकाउंटर जो न्यूज़पेपर था उसके एडिटर का नाम पढ़ा तो मेरे दिल में घंटियाँ बजने लगीं। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जर्मनी स्टूडियो, ये वही पोएट था जो जर्मनी स्टूडियो विजिट करने आया था, जो एक घंटा बोला था और किसी को कुछ समझ में नहीं आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे खोया हुआ भाई मिल गया है। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि उन्हें लगा कि वो मुझे पहचानते होंगे, और हम लोग एक दूसरे को जब जानते हैं और मैं रेफरेंस दूंगा तो मुझे कोई बेनिफिट होगा। एंड आई सैंग एज आई शील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और फिर मैंने गाना गाते हुए उसे एनवेलप को सील किया और उस पर एड्रेस लिखा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जुड़वा भाई हैं और जो गाना मैं गा रहा हूँ वही गाना वो भी गा रहे होंगे एनवेलप खोलते समय। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर बाई सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, जैसे कि हिंदी फिल्मों में देखा जाता है कि पहले सीन में वही गाना चल रहा है और लास्ट सीन में जहाँ भाई मिलते हैं वहाँ पर वही गाना चल रहा होता है। स्टीफन, दैट वॉज हिज नेम, और यही उनका नाम था। तो जो अशोकामित्रन है वो बहुत खुश हुए। एंड
years later when I was out of Gemini's studio and I had much time but not much money. Anything at a reduced price attracted my attention. अब हम अशोकामित्रन कह रहे हैं कि जब मैं मतलब कुछ सालों बाद मैं जेमिनी स्टूडियो जब मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास बहुत टाइम था लेकिन पैसा नहीं था और मैं हमेशा ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता था जो कम प्राइस या सेल पे हों या आधे दाम में बिक रही हों, तो मैं ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता था. ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स ऑफ 50 पैसा ईच. मद्रास के फुटपाथ पर रोड ऑफिस पोस्ट ऑफिस था, वहाँ पे जो है ब्रांड न्यू बुक्स बिक रही थी और 50 पैसा ही, कितने कम दाम पे बिक रही थी. एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक्स एंड एलिगेंट पेपर बैग. अब पेपर बैग क्या होता है, जो भी बुक होती है वीकली मैगजीन्स आप देखेंगे तो वो बहुत जो पहला पेज होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और फाइन होता है, हार्ड नहीं होता है. जैसे आपके होमवर्क बुक होती है, होमवर्क कॉपी होती है, उसमें हार्ड दफ्ती लगी होती है, लेकिन यहाँ पर जो पेपर बैग है वो बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे आपकी फ्लेमिंगो बुक का है वैसे. पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन स्पेशल लो प्राइज स्टूडेंट एडिशन, और वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही निकाला गया था. इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, इन कनेक्शन क्या 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था रशियन रिवोल्यूशन का, इसलिए ये दाम कम थे. आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड, और उसका जो टाइटल था 50 पैसा मैंने वो से ख़रीद लिया और उस पर टाइटल लिखा हुआ था द गॉड दैट फेल्ड. 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न. अब ये जो था द गॉड दैट फेल्ड, ये 6 एमिनेंट बहुत फेमस लोगों की फेमस एसेज़ थी, 6 ऐसे लिखी हुई थी ऐसे लोगों की जो कम्युनिज्म की तरफ गए, अट्रैक्ट हुए और फिर वहाँ से निकल कर आए. इनमें से जो 6 लोग हैं वो लोग पहले हैं एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सलोने, आर्थर योस्टेलर, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्टेपेंडर. ये 6 लोगों का वो ऐसे था. स्टेफन स्पेंडर सडनली द बुक अम्यूज ट्रिमेंडस, और जैसे स्टेफन स्पेंडर का नाम मैंने पढ़ा वो जो बुक है वो मेरे लिए और स्पेशल हो गई, स्पेसिफिक हो गई मेरे लिए, सिग्निफिकेंस स्टेफन स्पेंडर. और मतलब मेरे तब समझ में आया कि वो 1 घंटा क्या बोल रहे थे, वो 1 घंटा जो बोल रहे थे जो किसी के कुछ समझ में नहीं आया था वो आज मेरे समझ में आया. द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, और मेरे डार्क जो माइंड दिमाग में था और उसमें जो कुछ घुस नहीं रहा था वो अब मुझे समझ में आ रहा था, वो एक हेजी लाइटनिंग उसमें दिख रही थी. द रिएक्शन टू द स्टेफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. अब पहले देखे वहाँ पे कहा था कि हिज विजिट रिमेन एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, लेकिन अब वो कह रहे थे कि वो उन्होंने जो भी लिखा था उसमें पढ़ने के बाद वो जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो चुकी थी. The boss of the Gemini studio may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that
फेल्ड। जेमिनी स्टूडियो के बॉस को भी SS वाटसन को ज़्यादा इससे लेना देना नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो था, उनको तो था, क्योंकि वो यही समझाना चाहते थे अपनी बुक के माध्यम से, जिसका नाम था गॉड दैट फेल्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन एनहांसिंग योर नॉलेज। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।